हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग रूल्स के रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये रूल्स पते होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 11th 12th में भी इन सारी चीजों को पढ़ा होगा, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी इसको एक बार ब्रशअप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप नए सिरे से बीकॉम में जब आप इसको स्टडी कर रहे हो तो इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग रूल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट जो है पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बेसिस पे आपको जो है कैटेगराइज करने हैं, और कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में है या फिर अगर आप थर्ड ईयर में है, तो भी आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन दबाना है। आप जैसे ही ज्वाइन का बटन दबाएंगे, इग्नू बीकॉम में आपको आना है। ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान लेते हैं। आपको 100 असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको जो नोट्स हैं आपको वो बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। आप मुझे डायरेक्टली फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक इन विच यू आर हैविंग प्रॉब्लम। जिस भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आना, सजेशन आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी। जब आप मेंबरशिप ले लेंगे तो यहाँ पर आपको मोर अबाउट बॉक्स में जाकर के क्लिक करना है। यहाँ पे देखो चैट व्हाट्सएप का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके जो हमारा एक्सक्लूसिव जो मैंने ग्रुप बनाया है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो कि हमारा होने वाला है अकाउंटिंग रूल्स। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, एंड दिस अफेक्ट विल हैव टू बी एंटर्ड इन बोथ ऑफ देम, ऑन द डेबिट साइड एंड वन अकाउंट, एंड ऑन द क्रेडिट साइड इन द अदर अकाउंट। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अकाउंट जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, उसका दो जगह पे उसका असर होता है। दो अकाउंट में उसकी एंट्री करनी होती है ना, एक तरफ डेबिट साइड होगा और एक तरफ क्रेडिट साइड होगा। ये हम लोगों ने 11, 12 में भी करा था, है ना। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ दीज अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड व्हिच इज टू बी क्रेडिटेड। तो ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा अकाउंट को आपको डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट तीन तरह के होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। दोनों तीनों का मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो कि आपका खुद का होगा। सपोज मेरा बैंक में कोई अकाउंट है मेरे नाम से, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। कंपनी का कोई अकाउंट है बैंक में, तो वो उसका पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल मतलब वो सारे अकाउंट जो हमको दिख रहे हैं, उन सबको हम रियल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि कैश हमें दिखता है ना, कैश हमें दिखता है। वेयर एज अगर आप नॉमिनल अकाउंट की बात करो, तो नॉमिनल अकाउंट में वो सारे के सारे चीजें आ जाएंगी। आपका लॉस हो गया, आपका एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, वो सारे की सारी चीजें जो है नॉमिनल में आ जाएंगी, है ना। तो ये तीन तरह की हैं। अब जो बुक में लिखा हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। सो द अकाउंट ऑफ द पर्सन, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, द अकाउंट ऑफ द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट receiver of the transaction is debited and the account of the person giving the benefit of the transaction is credited. So, याद रखो, जिसको benefit मिल रहा है उसको आप debit करोगे, है ना। जैसे कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं debit हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा नाम debit हो जाएगा, और जो मुझे पैसे दे रहा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हेन एसेट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, जब कोई एसेट बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करेंगे, और जब कोई एसेट बिजनेस से जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। आपने सुना होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का नियम है कि जब भी कोई चीज बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करते हैं, जब भी कोई बिजनेस में जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल का केस बहुत ही आसान है, इसको समझना। व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड और लॉसेस, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिटेड, है ना। जब भी आप खर्च करोगे या किसी तरह का लॉस आपको होगा तो उसको डेबिट करेंगे, जब भी आपका किसी तरह का इनकम होगा या फिर आप पैसे रिसीव करोगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। When any of the income is earned or gain made, the accounting representing the income or gain is credited. I hope आपको clear हो गया होगा। This is because the business gives some benefit. अब तीनों को अगर हमको अच्छे तरीके से समझना है तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, आप इसको समझो। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। डेबिट
जो पैसा जो आता है क्रेडिट वो जो बाहर जाता है। नॉमिनल भी बहुत समझना बहुत आसान है, जितने भी सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो आपका डेबिट हो गया, और जितने भी सारे आपके इनकम हो गए या फिर गेन्स हो गए वो आपका क्रेडिट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के जरिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि पेड कैश टू रमेश, आपने कैश पेमेंट किया रमेश को, है ना, तो क्या हो जाएगा ये रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। सो इन द केस टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, रमेश अकाउंट और एक कैश अकाउंट। रमेश और द अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज द रियल अकाउंट, है ना। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बोला था, जो पैसा रिसीव करेगा, पैसा कौन रिसीव कर रहा है यहाँ पे, रमेश रिसीव कर रहा है ना। आप जब पैसा पेमेंट कर रहे हो तो किसको कर रहे हो, रमेश को, तो रिसीव कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या करना होगा, उसको डेबिट करना होगा, ठीक है। और कैश मैंने क्या कहा, रियल अकाउंट है, ये क्या कर रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है, आप दे रहे हो, है ना। तो क्या होगा, व्हाट गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रमेश एंड कंपनी हैज रिसीव्ड द बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस एंड देयरफॉर इट हैज टू बी डेबिटेड, है ना, इट हैज टू बी डेबिटेड एज पर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट। आई होप के समझ में आ गया होगा, डेबिट द रिसीवर। नाउ एज कैश हैज गॉट आउट गॉन आउट, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द रूल ऑफ द रियल अकाउंट्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप आपके आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर रूल है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय। अब मैंने कैश रिसीव किया, पहले मैंने पेमेंट किया था तो क्या एंट्री था, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, अब उल्टा होगा, अब यहाँ पे कैश में रिसीव कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। अब मैंने कैश रिसीव किया और पेमेंट करने वाला कौन है, अजय। तो कैश क्या है, कैश है एक रियल अकाउंट, तो डेबिट मेरे पास आ रहा है ना, व्हाट कम्स इन, तो पैसा मेरे पास आ रहा है, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और मुझे पैसा दे कौन रहा है, रमेश दे रहा है, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है, राइट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो मुझे दे रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा वो, है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में उतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़ लो एक बार, इस पूरे के पूरे को आप एक बार पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू समझा दे रहा हूँ। नाउ पेड रेंट रुपीज 1000। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रेंट क्या है, रेंट को क्या होता है, रेंट एक खर्चा है आपके लिए, है ना, लॉस लॉस तो नहीं बोलेंगे, खर्च है। तो जितने भी सारे खर्च होते हैं वो नॉमिनल कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ये देखो नॉमिनल अकाउंट। तो इसका नियम क्या है, जो भी खर्च होंगे उसको करेंगे हम लोग डेबिट, और जो इनकम होगा उसको करेंगे क्रेडिट। तो रेंट मेरे लिए क्या है, खर्चा है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट आप पेमेंट करते हो तो या तो कैश के थ्रू दोगे या तो बैंक के थ्रू दोगे, है ना। तो जब जब यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कैश ही पकड़ना है, बैंक नहीं पकड़ना है। अगर बैंक होता तो यहाँ पे बाई चेक या फिर बाई बैंक लिखा हुआ होता, है ना। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हमें क्या कर रहा है, मेरे पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। दो तीन और एग्जांपल है बट मैं सबको नहीं समझा रहा हूँ, तीन मैंने एग्जांपल बताए हैं। आई होप कि आपको अकाउंटिंग रूल्स जो है समझ में आ गया होगा। इसे हम गोल्डन रूल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।